मंगल ढिलोन चैनल, एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिलोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओंकारा जी महाराज, धन्य सभी धर्मों के संत, भक्त, गुरु, महापुरुष, अवतार, पीर, पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान। गुरु प्यारे हो, ये मन जो हमारा है इसे कैसे काबू में किया जाए? सब लोग मन से हारे हुए हैं। बड़े से बड़ा राजा हो, शहंशाह हो, सिकंदर हो, मन से हारा हुआ है। बहुत से महापुरुषों ने विधियां बताई हैं, बहुत से लोग विधियां बता रहे हैं कि मन को कैसे टिकाया जाए, मन को कैसे काबू में किया जाए। मैं भी इसके बारे में सोचता रहा हूं और मुझे ईश्वर दया करके सुझा देते हैं कुछ, तो मैं बताने लग जाता हूं। अगर सच पूछें तो प्रॉब्लम मन ही की है। अगर मन पाठ के दौरान, जाप के दौरान, ध्यान के दौरान कहीं और चला जाता है तो फिर वो ध्यान ध्यान नहीं रहता है, वो पाठ पाठ नहीं रहता है, वो एक मैकेनिकल एक्सरसाइज बन जाता है, एक कर्मकांड बन जाता है। बिल्कुल वैसे ही कि आपने साइकिल को स्टैंड पे लगाया हुआ, पैडल तो मार रहे हैं लेकिन पहुंचेंगे कहीं नहीं। मन का क्या करें? मन इतना शक्तिशाली है, इतना स्लिपरी है, इतना ट्रिकी है कि आप हार जाते हैं। आपको पता नहीं चलता है कब ये चला जाता है और कब वापस आ जाता है। तो 99% लोग मन से हारे हुए हैं। मन का ही सारा खेल है। मन जीते जग जीत। मन को जीतना है तो संसार को जीत लेना है। अब अलग अलग महापुरुषों ने अलग अलग तरीके बताए हैं, लेकिन मेरी तुच्छ बुद्धि के मुताबिक जो ईश्वर मुझे सुझाते हैं, मन कैसे टिकेगा और मन क्यों नहीं टिकता है और मन किसका टिकता है? मन के ना टिकने का जो कारण है वो तो मूल कारण पाप कर्म है, मैल है, जो हमने जन्मों जन्मों से इकट्ठा की है। जितनी ज्यादा मैल, जितने ज्यादा पाप कर्म, उतना ही ज्यादा विचलित मन। आप देखते होंगे अपने आसपास संसार में कि कुछ लोगों के पास आप ईश्वर के नाम का जिक्र ही करें तो उनको कुछ होने लगता है। होने से मेरा मतलब दो तरह से होने लगता है। एक तरह से बाबा आनंद सिंह जी को होता था, मतलब आप वैराग में आने लग जाएंगे। जैसे मैंने एक बार जिक्र किया था कहीं कि आप किससे बहुत इश्क करते हो, बेइंतहा इश्क करते हो, उसके बिना जी ना सकते हो, और आपकी गलती के कारण आप उससे बिछड़ जाएं और बाद में आपको एहसास हो कि गलती आपकी थी और आपको अब उनसे दूर रहना ही होगा, इंतजार करना होगा, तो फिर आप टाइम पास कैसे करेंगे? आप जहां भी बैठेंगे उसी की बात करेंगे, उसी का चर्चा करेंगे। और अगर कहीं आपके पास किसी ने उसका नाम ले दिया तो आपके तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप भावुक हो जाएंगे, रोने लग जाएंगे। बस ऐसा ही है। तो एक तो जिनका जुड़ाव है, इश्क है उस मालिक से, मोहब्बत है, उनको तो इस तरह से कुछ होने लगता है। और जिन्होंने पाप कर्म इकट्ठे किए हुए हैं जन्मों जन्मों से, उनको दूसरी तरह कुछ होने लगता है। एजिटेशन, बेचैनी, व्याकुलता, कह रहे नहीं 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 भाई, ये क्या भगवान वान की बात लेके बैठ गए। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, मतलब आप दंग रह जाएंगे। मतलब ईश्वर की, सत्संग की, अध्यात्म की, रूहानियत की बात तो उनके लिए जहर है। आपने बात छेड़ी नहीं, उनके तेवर देखिए, वो चिल्लाने लग जाएंगे, बड़े छटपटाने लग जाएंगे। मैंने ऐसा लोगों को करते हुए देखा है। अब
ये तो तय हो गया कि जो मन व्याकुल है, विचलित है, उसका कारण तो पाप कर्म है पिछले जन्मों के। जिसके ज्यादा पाप कर्म है, जिसका ज्यादा मैल है, वो ज्यादा विचलित है, वो तो सुनना भी नहीं चाहेगा। जिसके कम है वो सुन तो लेगा लेकिन अनुसरण नहीं कर पाएगा, मतलब जमेगा नहीं उसको, लगे ठीक है भाई। जिसके उससे कम है वो 50-50, और जिसके उससे कम है वो उसी मिकदार में, उसी अनुपात में ज्यादा झुकाव रखेगा। तो जितने पाप कम है उतना ही ज्यादा झुकाव आपका अध्यात्म में होगा, रूहानियत में होगा, भगवान के नाम में होगा, और संसार में कम होगा। और जितने ज्यादा पाप है उतना ज्यादा आपका झुकाव भौतिक संसार में होगा और अध्यात्म में कम होगा। ये तो एक अनुपात के तौर पे नापने, आंकने, मापने के लिए मैंने कहा। अब मसला ये है कि इस मन को पकड़ा कैसे जाए, इसको जीता कैसे जाए, ये हमारी बात कैसे सुने, काबू में कैसे किया जाए, ये बेसिक टॉपिक है आज के इस वीडियो का। तो एक जो एक नॉर्मल तरीका है, जो बार बार 7 डिवाइन कैप्सूल, 10 इलाही कैप्सूल, हजारों के आजमाए हुए, वो बता चुका हूं। और मैं अक्सर हर वीडियो में कहता हूं कि नाम जपें, सुने, गुरु नानक देव जी महाराज की टेक्निक है, सुने दुख पाप का नाश, शब्द गुरु सुरदन चेला, सर रोग का खुद नाम, नानक नाम जहाज है चढ़े से उतरे पार, गुरुद्वारे में, मंदिर में, मस्जिद में जाएं, चर्च में जाएं, नाक रड़ के माफी मांगे, धन्यवाद करें, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग चाहिए, परिक्रमा करें, सुने, सेवा करें, पुनर्दान करें, माफी मांगे, हर वक्त उसका नाम जपे, रात को रिपीट पे लगा के सोएं, दिन में कान में लगा के सुने, गौशाला में जाके सेवा करें, गरीबों की मदद करें, दया करें। ये तो एक नॉर्मल, मतलब आपको चाहिए चाहिए। तो जो सुनना है उससे मन कैसे टिकेगा, क्योंकि जो लोग कहते हैं आपको टेक्निक बता देंगे, तो मन कैसे टिकेगा जब मैल अंदर है। अब मैल धोने का एक ही तरीका है भाई, और तो कोई डिटर्जेंट है नहीं, कोई बाबा तो आपकी मैल धो नहीं पाएगा। मुझे नहीं लगता है कि आपने इतने पाप किए हुए हैं, अगर आपके भाग्य में नहीं ऐसा कुछ संजोग बनना, तो कोई बाबा कैसे आपके पाप धोएगा, वो क्यों लेगा आपकी मैल, वो आपसे मेहनत करवाएगा। तो ये जो तरीका है गुरु नानक देव जी महाराज का, सुने दुख पाप का नाश, तो जब आपके पाप, जब आप जपेंगे और सुनेंगे निरंतर, मैल धुलेगा, कानों से अंदर जाएगा। ये डिटर्जेंट एक ही डिटर्जेंट है जो पाप की मैल को धोता है, हरिनाम कान के जरिए अंदर जाता, तरीका यही है, जपना और सुनना, अंदर जाएगा, मैल को धोएगा, मैल धुलेगी तो राहत मिलेगी, राहत मिलेगी तो विश्वास आएगा, विश्वास आएगा तो आप और जपेंगे। मैं बार बार कहता रहा हूं, और जब जपेंगे तो धीरे धीरे जब मैल साफ हो जाएगा, मन टिक जाएगा। जब तक मैल है, जितना मैल है उतना ही मन विचलित होगा, उतना ही मन भागेगा, जितना कम मैल है उतना ही मन टिकेगा। जिन लोगों के पीछे तप किया हुआ है, जप किया हुआ है, पाप कम है, आप देखिए उनका कैसा ध्यान लगता है, कैसा वैराग्य बनता है। तो ये है, कुछ लोगों, जैसे मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, तो उनकी बड़ी जल्दी बात बन गई, ध्यान लग गया और समाधि, सुन समाधि में चले गए, एस्ट्रल ट्रेवल करने लग गए 8-10 महीने में ही। पिछला तप था, उनको पहले भी कुछ लोगों ने बताया था और बाद में भी कुछ लोगों ने बताया कि आपने पीछे आप संत थे और गोली लगने से मरे थे, और कुछ गुनाह किया होगा जिसकी वजह से गोली लगी और वो आगे, लेकिन वो जो तप था वो उनके खाते में जमा था, जब समय आया, जाग लगी, तो जल्दी बात बन गई। ठीक है, तो ये तो एक फिर वही मीटर पैरामीटर हमारे पास हो गया, मापदंड है आंकने मापने के लिए, कि अगर मन बहुत विचलित है, सुनने को तैयारी नहीं होता है, भाग जाता, पाठ करते हो, गुटखा साहब हाथ में है या जो भी मंत्र जाप आप कर रहे हैं और वो कहीं और घूम रहा है, तो पाप है, मैल है। और जिसका बहुत टिकता है तो मैल धुल चुका है। अब एक तो ये तरीका है कि हमने लगे रहना है, जपना है, सुनना है, रात को रिपीट पे लगा के ताकि अचेतन सुने, उससे भी मैल धुलता है, सोते सोते मैल धुलता है। तो लगाएं, रात को सुखनी साहब लगाएं, शब्द लगाएं, जप जी साहब लगाएं, और हमारे यहाँ गुरु ग्रंथ साहब का पाठ है वो लगाएं, वो चलने दीजिए घर में अपने,
ये शबद सर्व काउखर नाम के ये लगाएं, तो मैल धुलने दें, मूल मंत्र लगाएं, मैल को धुलने दें, सब कॉन्शियस सुन रहा है उसी को सुनाना है, तो धीरे धीरे जब मैल धुल जाएगा तो मन टिक जाएगा। अगर आपसे कोई कहता है कि आपका मन ऐसे टिका लो वैसे टिका लो, तो मुझे नहीं लगता कि किसी जुगत या टेक्निक से मन टिकेगा, क्योंकि उसका सीधा कनेक्शन मैल से है, पाप कर्म से है। तो जब तक पाप कर्म है, हम अपनी आत्मा की मटकी में अंदर लिए घूम रहे हैं, तो मन कैसे टिकेगा। हाँ, आप कुश्ती कर सकते हैं, आप मैकेनिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन भाव तो नहीं बनेगा। तो जो सही रास्ता है वो तो ये है जो मुझे मेरी तुच्छ बुद्धि के मुताबिक ईश्वर ने सुझाया, गुरु नानक देव जी का जो गाड़ी रहा है, हाईवे टू सल्वेशन, के सुनिए सुनिए सुनिए, सुनते रहिए लगातार, रात को दिन में सोते हुए अचेतन को सुनाइए, धीरे धीरे मैल धुलेगा, राहत मिलेगी, विश्वास भी आ जाएगा और मन भी टिकने लग जाएगा। एक और तरीका जिसके लिए मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया, एक्चुअली ईश्वर ने मुझे ये सुझाया और मैंने एक दो बार इसका अभ्यास किया और मुझे ये दिलचस्प लगा, मन को काबू करने के लिए। देखिए, जैसे आप कोई एक्सरसाइज शुरू करते हैं, ये सुबह उठने की बात है, 4 बजे 3:30 बजे 3 बजे, तो मैंने एक वीडियो में कहा था कि हमको ना उठने की आदत है, देर से उठने की आदत है, देर से सोने की आदत है। तो आप अगर 15-20 दिन या 1 महीना ये संघर्ष कर लेंगे, तो अपने जो प्रोग्रामिंग आपके दिमाग में उसको चेंज कर लेंगे, तो आपको सुबह उठने में भी दिक्कत नहीं होगी, आपका सिस्टम ही आपको उठा देगा। ठीक है, ईश्वर से प्रार्थना कर ले, बहुत सारे ऐसे लोग मैं जानता हूं जो प्रार्थना करके सोते हैं और ईश्वर जगा देते हैं उनको। ठीक है, तो एक आपकी बॉडी क्लॉक होती है, उसको सेट करने की बात है ये। ठीक है, अब इसी तरह से जो मन है, मन को आदत पड़ी हुई है कुराफात की, आदत पड़ी हुई है उस मैल की वजह से, पाप कर्मों की वजह से, बुरी संगत मिली, बुरे विचार, प्रारब्ध कंट्रोल करती है, तो माहौल ही बुरा मिला, उस माहौल में फिर अच्छे लोग कहां से मिलेंगे। तो आदत पड़ गई मन को निंदा चुगली करने की, व्यभिचार करने की, किसी की बहन बेटी पे बुरी नजर डालने की, किसी का बुरा करने की, स्कीमें बनाने की, या कुछ और कुराफात, फिल्में देखनी है, ये करना है, वो करना है, पिकनिक पे जाना है, पार्क में घूमना है, नशा करना है, दोस्तों के साथ बैठ के सिगरेटें पीनी है या और कोई नशा करना है, शराब पीनी है, बियर पीनी, ये आदतें हमने शरीर को और मन को डाल ली। जो शरीर करता धीरे धीरे मन उसको फॉलो करता है, या मन के पीछे लग के शरीर करता है। अब ये अभ्यास करके देखें, आप जिस भी स्थान को मानते हैं, जैसे हमारे मुस्लिम भाइयों का काबा शरीफ है, क्रिश्चियंस का वाटिकन है, और हमारे हिंदू भाइयों के बहुत सारे स्थान हैं, केदारनाथ हैं, बद्रीनाथ हैं, जगन्नाथपुरी है, और भी ऐसे बहुत सारे स्थान होंगे, पवित्र स्थान जिनको हम मानते हैं, वृंदावन में है, मथुरा में आप कहीं जाएं तो वृंदावन में बहुत सारे लोग जाके आते हैं, मंदिर बने हुए हैं कृष्ण भगवान जी के। तो ऐसे ही हमारे सिख भाइयों में हरिमंदर साहब, तो ये जो आपकी एक्सट्रीम जो ऐसी जगह हैं, धार्मिक स्थान हैं, स्पिरिचुअल प्लेसेस हैं, जो अल्टीमेट हैं हर धर्म के, तो आप बैठे ये अभ्यास करिएगा। मैंने ये ट्राई किया है, बहुत कारगर है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताना चाहूंगा, आप उसको अपने धर्म के मुताबिक कर सकते हैं। हरिमंदर साहब में 4 दरवाजे हैं, तो मैं क्या करता था, इस मन के साथ में अंदर अंदर मामला चलता रहता है, तो मैं हरिमंदर साहब के सामने जहां से एंट्री करते हैं, मैं वहां माथा टेकता हूं अपनी सूरत से, ध्यान से, यहीं बैठे बैठे मैं गया, अब मैं वहां हूं दरबार साहब में, और मैंने वहां माथा टेका, नाक रगड़ी और कहा वाहिगुरु। फिर मैं दूसरे दरवाजे पर चला गया जहां से बाहर निकलते हैं, फिर मैंने वहां माथा टेका, नाक रगड़ी, कहा वाहिगुरु। फिर मैं पिछले दरवाजे पर चला गया, ये मैं जा रहा हूं अभी, मैं पिछले दरवाजे पर हूं और वहां मैंने नाक रगड़ा और कहा वाहिगुरु। और उसके बाद फिर मैं इधर आ गया, जो राइट साइड में दरवाजा है उस पर आके नाक रगड़ी और कहा वाहिगुरु। और उसके बाद फिर सामने आ गया, फिर नाक रगड़ी और कहा वाहिगुरु। अब ये आप वाहिगुरु कह सकते हैं, आप हरिओम कह सकते हैं, आप एकोंकार सतनाम वाहिगुरु कह सकते हैं, आप सतनाम वाहिगुरु कह सकते हैं, जो भी आपके मन को अच्छा लगता हो। लेकिन ये एक्सरसाइज जो आपकी सुरत कर रही है, देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो विचार हैं, विचार ही तो आधार है पुण्य और पाप का।
और ध्यान, ये सुरत जब वहां पहुंच गई, ये सुरत यानी ये मन हमारा इसको कहीं और ले जाता है, फिजूल की चीजों में उलझा देता है। तो हमने क्या किया, कॉशियसली इसको हरिमंदर साहब ले गए। जैसे मैं कहता हूं कि आप वहां रोज जाया करो, नाकरण के माफी मांगा करो, प्रार्थना किया करो, मन्नत मान लो, वो सब जानते हैं, ठीक है, सूक्ष्म लेवल पे एस्ट्रल वर्ल्ड में सब उनको पता चलता है, वो हर जगह व्याप्त है, ईश्वर को सब पता है। तो आपने चार दरवाजे हैं, चारों दरवाजों पे एक तो आपने परिक्रमा शुरू कर ली, एक आप वही हैं जहां आपको होना चाहिए, ठीक है। अब ये एक एक्सरसाइज है, एक अभ्यास है, एक व्यायाम है, एक आदत डालने का तरीका है, एक मन को पकड़ने का, काबू करने का तरीका है। जैसे आपका बच्चा कहना नहीं मानता है, कहीं दोस्तों के साथ चला जाता है, तो आपने उसको किसी गेम में उलझा लिया, गेम की प्रैक्टिस कराने लग गए, बिजी कर लिया उसको, ठीक है। तो ये यहां अल्टीमेट गेम में उलझाया आपने उसको कि आ भाई दरबार साहब चलते हैं। तो बैठे आप कहीं भी हैं, अपने घर में हैं, अपने पूजा स्थान में हैं, अपने ऑफिस में हैं, कहीं भी, लेकिन आप पहुंच गए वहां और आपने शुरू कर दिया सिलसिला, एक ओंकार सतना वाहिगुरु, एक ओंकार सतना वाहिगुरु, एक ओंकार सतना वाहिगुरु, एक ओंकार सतना वाहिगुरु, एक ओंकार सतना वाहिगुरु। एक तो आपका मन उस वक्त हरिमंदर साहब में ही रहा, गुरु ग्रंथ साहब शब्द रूप में परमेश्वर के इर्द गिर्द रहा, उनकी परिक्रमा करता रहा। आपने देखा होगा कार्तिकेय जी जीते थे, लेकिन गणपति जी ने पार्वती माई और शंकर जी की परिक्रमा करके चूहे पर बैठ के बाजी मार ली कि यही वो देव हैं जिनकी सबसे पहले पूजा अर्चना होगी, जीत गए, जबकि सभी देवताओं ने उस कंपटीशन में भाग लिया। और मैं तो खैर वो देख के हैरान हो गया कि इंद्रदेव क्या क्या उनको लोग दिखाते रहते हैं, खैर मालिक उनका भला करे। तो अब आपने अपनी सूरत को, सारा सूरत का खेल है, तो सूरत को आपने कहां फिट किया, हरिमंदर साहब में। और हरिमंदर साहब में आप क्या कर रहे हैं, परिक्रमा, किसकी, गुरु ग्रंथ साहब की, शब्द रूप में परमेश्वर की, हरि की, और नाक रगड़ रहे हैं और उसका नाम ले रहे हैं। तो बिना कहे आप माफी भी मांग रहे हैं, धन्यवाद भी कर रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, याचना भी कर रहे हैं, नाम भी जप रहे हैं, कमाई भी कर रहे हैं। तो ये आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जितना भी कर सकें। शुरू में थोड़ी दिक्कत होगी, हाँ, जिसका भी मन भागता है, इतना जरूर मैं कह सकता हूं कि जब उसको आप इस पे लगा देंगे तो 1-2 मिनट में ही आपको फर्क पता लगेगा कि ये तो बहुत बढ़िया मामला है ये तो बहुत बढ़िया मामला है भाई। जहां जाने के लिए हम तरसते हैं, जैसे हमारे मुसलमान भाई काबा शरीफ में, वहां भी वो परिक्रमा करते हैं, वो अपनी भाषा में जो भी कहते हो लेकिन परिक्रमा करते हैं। तो अगर आप अपनी सूरत से वहां की परिक्रमा करने लग गए और अल्लाह हू अकबर करने लग गए, तो जरा जलवा देखिएगा। ये जो मन आपका भाग जाता है, इसको आपने अल्टीमेट जगह पे पहुंचा दिया कि चल अगर तुझे घूमने का शौक है तो फिर वहां घूम, तुझे बहुत चक्कर लगाने का शौक है इधर उधर, चक्कर वहां लगा, बाकी के चक्कर सब व्यर्थ हैं, चल वहां चल। तो सोचिएगा इसके बारे में। मैंने ट्राई किया, मुझे बहुत ही दिलचस्प लगा, और इसका रिजल्ट भी जल्दी मिलना चाहिए। मतलब क्योंकि नॉर्मली हम लोग जब पाठ करते हैं, जाप करते हैं, तो मन भाग जाता, पता भी नहीं चलता है, और सुस्ती आने लगती है, नहीं। अभी क्योंकि जैसे मैंने सांस के बारे में बताया था, वो एक मेरे पास पड़ा हुआ, जब यहाँ कुछ सत्संगी जन आए थे तो उनके साथ हम लोगों ने अभ्यास किया था, तो शायद वो भी मैं डालूंगा। लेकिन एक वीडियो मैंने उसका जिक्र किया था, तो किसी बहन जी ने कहा कि जरा उसको ब्रीफ में बताएं, हमको दोबारा से, हमारी समझ में नहीं आया। सांस के साथ में करोड़ों बार 1 मिनट में कैसे आपने सुमरण करना है, रोम रोम के साथ कैसे सुमरण करना है, इस तरह की एक विधि थी। तो जैसे वो मैंने शेयर की, ऐसे मुझे ये लगा कि अगर आपने मन को 5-10 मिनट 15 मिनट ऐसे वहां पे ले गए दरबार साहब में, और वहां माथा भी टिकवाया, नाम भी जपा, परिक्रमा भी की,
इससे आपको इतना लाभ हो सकता है, क्योंकि जो भागा रहता था, जैसे गुरु नानक देव जी महाराज ने नवाब और काजी के साथ में नमाज नहीं पढ़ी थी, बीच में से बाहर आ गए कि मैं किसके साथ नमाज पढ़ता, आप लोग तो वहां थे ही नहीं, वो घोड़े खरीद रहे हैं और इनको वो बच्चे का डर था कि कुएं में न गिर जाए, इनकी घोड़ी का जो बच्चा है छोटा, बांध के नहीं आए थे काजी साहब, तो मैं किसके साथ नमाज पढ़ता। यानी जब आपका मन नहीं है तो नमाज तो पढ़ी नहीं जा रही है, आप सारा जीवन लगे रहे, आपको लगता था आप नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन नमाज तो आपने पढ़ी नहीं। नमाज तो तब है जब आपका मन है, जब आपका ध्यान वही है, आपकी सूरत वही है। तो जब आप जपेंगे, वहां नाक रोड़ के माफी भी मांगेंगे, आशीर्वाद भी मांगेंगे, परिक्रमा भी करेंगे चारों दरवाजों पे, और हरमंदिर साहब में, काबा शरीफ में, वाटिकन में, बद्रीनाथ में, केदारनाथ में, जगन्नाथपुरी में, तो जरा अंदाजा लगाइए आप कि कैसा जलवा बनेगा, कैसी कृपा होगी। धीरे धीरे आपके इस मन को वहां की आदत पड़ जाएगी। तो आपने जो भी नाम जपना है, सुमरण करना है, नितनेम करना है, वो करके ये अभ्यास 10-15 मिनट जरूर किया करें, और उसके बाद जब इसको आदत पड़ गई और जो वहां से कृपा आएगी आपके ऊपर, जो आपका पर्सपेक्टिव चेंज होगा, जो नजरिया चेंज होगा, जो जीवन बदलेगा, वो आप सोच नहीं सकते हैं। मैंने ट्राई किया और मुझे बहुत ही कारगर लगा, तो मेरा मन किया कि मैं आप लोगों से शेयर करूं कि उन सब के अलावा जो हम लोग कर रहे हैं ये भी करिएगा, और धीरे धीरे जिनके पास समय हो आप आधा घंटा पौना घंटा जरा करके देखिएगा, और 2-3 महीने में फिर अपना तजुर्बा शेयर भी करिएगा हमारे साथ, हमारे ग्रुप में या चैनल पे या इनबॉक्स में। धन गुरु नानक जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, जिसका नंबर हम शुरू में भी और अंत में भी देते हैं, और हमारे हर वीडियो के जो कमेंट्स है उसमें पिन किया होता है, और उसके डिस्क्रिप्शन में भी हम देने की कोशिश करेंगे, वहां से आप हमारा वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं अगर चाहें तो, ताकि डायरेक्टली आदान प्रदान हो सके विचारों का, या मार्गदर्शन आप हमारा करें हम आपका करें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मित्रों को बात पकड़ में आई होगी और आप इससे लाभ लेने का प्रयास अवश्य करेंगे। ईश्वर हम सबका भला करे, दया करे, मेहर करे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओंकारा जी महाराज, धन्य सभी धर्मों के संत, भक्त, गुरु, पीर, पैगंबर, अवतार और प्रॉफिट साहिबान। मंगल ढिलोन चैनल, एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिलोन चैनल।